आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आप लोग जब से वैकेंसी आई है तब से आप लोग पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं और इन क्वेश्चंस को जो आप लोग पूछ रहे हैं उसका सही जवाब क्या है, तो इसको जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप हो सकता है आप में से काफी लोगों के दिमाग में भी ये सवाल चल रहा हो, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें आपको बताया गया है कि आप लोग कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं, पहले ही अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल में TG2 बनने का सुनहरा मौका है, पहले ही अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन पा सकते हैं, तो उसके लिए ऊपर में आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और उस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं जिससे आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो सकता है, तो उसको जाकर के जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि जब से वैकेंसी आपकी आई है यूपीपीसीएल में तब से स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है कि क्या जो अदर स्टेट्स वाले हैं वो क्या वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर सकते? काफी स्टूडेंट्स से ये सवाल पूछा है कि क्या जो अन्य राज्य वाले हैं वो क्या इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते, क्या वो एलिजिबल नहीं है? इसके पीछे उनका तर्क ये है कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है वो ये लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इस जो उनका तर्क है इस तर्क में कितनी सच्चाई है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखें तो उसमें क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या समकक्ष। आप देखिए अगर हाई स्कूल में आप देख रहे हैं तो हाई स्कूल में आपको दिख रहा होगा कि हाई स्कूल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या समकक्ष बोर्ड से आपके पास पास होना चाहिए और ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहां से ये क्लियर हुआ कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड से अगर आप हाई स्कूल पास हैं तब तो आप भर ही सकते हैं, या फिर समकक्ष में सारे बोर्ड्स आ गए, किसी भी आप जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे अगर आपने हाई स्कूल पास किया है तो आप उससे आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसी बिल्कुल नहीं है कि क्या ये अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं या जो लोग भी दूसरों को ये कह रहे हैं कि वो फॉर्म नहीं भर सकते, उनकी बातों मत आइए। यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट का आपका बोर्ड हो, आपने कहीं से भी हाई स्कूल पास किया है आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं। दूसरा काफी लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या SCVT और NCVT में केवल NCVT ही वाले फॉर्म भर सकते हैं, SCVT वाले फॉर्म नहीं भर सकते? तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ITI क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, SCVT NCVT दोनों ही से होना चाहिए। तो चाहे आपने SCVT से पास किया हो चाहे आपने NCVT से पास किया हो, दोनों ही कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल हैं। तो परेशान मत हुआ करिए, आप लोग भी मतलब तो परेशान करते हैं, आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो डिटेल्स है वो सब वहीं लिखी हुई है। आप लोग दूसरों की बातों मत आइए कि SCVT वाले फॉर्म नहीं भर सकते या NCVT वाले फॉर्म केवल भर सकते हैं। इससे बाद काफी लोगों ने ये सवाल किया कि क्या इस भर्ती में जो एलिमेंट्री मैथ्स वाले हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिमेंट्री मैथ्स वाले एलिजिबल हैं? उनका कहना ये है कि उनके पास भी मैथ है, उनके पास भी साइंस है स्कूल में, और वो मैथ और साइंस से पास है, लेकिन उनके पास जो मैथ है वो आपकी एलिमेंट्री मैथ है, तो क्या वो इस भर्ती में एलिजिबल हैं? तो देखिए इसका कोई प्रामाणिक जवाब नहीं है क्योंकि ये एक अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। इसका लास्ट भर्ती जब आई थी तब भी पे आपने देखा था कि उसमें भी कोई डिटेल नहीं लिखा हुआ था कि भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है कि हाई स्कूल में आपके पास मैथ और साइंस विषय होना चाहिए और उसमें आप पास होने चाहिए, ठीक है। साइंस संकाय नहीं लिखा है, साइंस विषय लिखा है, मैथ और साइंस विषय, तो साइंस और मैथ विषय आपके पास है और आप भर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बाकी करेक्ट आंसर के लिए, बिल्कुल जेन्युइन आंसर के लिए आपको क्या करना है, आपको सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से इस सवाल का जवाब मांगना है और आपसे पूछना है कि क्या जो भर्ती आई है यूपीपीसीएल में उसमें क्या जो एलिमेंट्री मैथ्स वाले हैं क्या वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। उससे आपको एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा और जेन्युइन आंसर आपका डिपार्टमेंट तरफ से ही मिलेगा। बाकी जहां तक मुझे आइडिया है, जहां तक मुझे अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन ये है कि इस भर्ती में आप लोग भर सकते हैं क्योंकि इसमें केवल ये लिखा है कि आपका हाई स्कूल में साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस संकाय नहीं लिखा है। अगर साइंस संकाय लिखा होता तब आप नहीं भर सकते। काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि ये जो वैकेंसी है ये टेक्नीशियन विद्युत की है तो क्या TG2 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि अब टेक्नीशियन विद्युत ही TG2 का दूसरा नाम है, TG2 का नाम अब बदल चुका है, पहले टेक्नीशियन ग्रेड 2 था, अब नाम बदल करके आपका टेक्नीशियन विद्युत हो गया है। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदल गया है, पद वही है, ग्रेड पे वही है और काम भी वही है।
काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या जो आईटीआई सीओई से किए हुए हैं क्या वो एलिजिबल है इस भर्ती के लिए, क्या उन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कौशल विकास और आईटीआई इलेक्ट्रिकल दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन कौशल विकास कौन सा होना चाहिए? 2 साल का आपका कौशल विकास होना चाहिए। बहुत से छात्र ये पूछ रहे थे कि मेरे पास 6 महीने का कौशल विकास का सर्टिफिकेट है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकते, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जो भी डिटेल्स है आपकी नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। काफी कैंडिडेट्स ये फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या वायरमैन वाले फॉर्म भर सकते हैं, वायरमैन वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो वायरमैन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पैसा ना बर्बाद करें, फॉर्म नहीं भर सकते, एलिजिबल नहीं है। काफी लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और किस डेट को 18 साल या 40 साल होना चाहिए। क्योंकि काफी लोगों का ये कहना है कि जो वेबसाइट है जिसपे फॉर्म भरने जा सकते हैं, जिसपे आप सभी लोग जानते हैं कि किस वेबसाइट पे आप लोग फॉर्म भरते हैं जाकर के, उस वेबसाइट पर जब वो देख रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि 21 साल से 40 साल के लोग भर सकते हैं, जबकि विज्ञापन में क्या लिखा है, विज्ञापन पे लिखा है 18 साल से 40 साल। तो याद रखिए, किसी वेबसाइट पर आपको यकीन नहीं करना है, आपको जो विज्ञापन निकला है आपको उसमें यकीन रखना है। उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि 18 वर्ष से 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी के हैं उसमें जितना आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है उतना आपको मिलेगा एज पर रूल्स, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपका 18 वर्ष से 40 वर्ष की जो एज लिमिट है वो किस डेट तक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1-1-2020 को अगर आपकी 18 साल पूरी हो रही है तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और अगर 1-1-2020 को आप 40 साल के ऊपर हो रहे हैं या 40 साल आपकी एज हो रही है तब आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि 1-1-2020 को जो लोग 18 साल से 40 साल के बीच में हैं केवल वही फॉर्म भर सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या ये इस बार की जो वैकेंसी है इसमें क्या कंप्यूटर में लिब्रा आएगा, क्या कंप्यूटर में जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है? क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि नीलिट ने अपना CCC का सर्टिफिकेट के लिए जो एग्जाम कराता है उसका जो सिलेबस है उसको अपडेट किया है और उसमें अब लिब्रा एक नया टॉपिक ऐड किया गया है और लिब्रा से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या UPBCL में भी इस साल से लिब्रा पूछा जाएगा? तो देखिए, ऐसा चांसेस बहुत कम है क्योंकि UPBCL में अभी तक जो सिलेबस है उसको अपडेट नहीं किया गया है। अगर अपडेट किया गया होता तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी होता या फिर जो आपका एडवर्टीजमेंट है उसमें लिखा होता कि हमने ये जो आपका सिलेबस है वो अपडेट किया है। तो चूंकि अभी तक UPBCL की तरफ से किसी भी तरीके का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है सिलेबस अपडेट को लेकर के, तो आपका ये कहना कि सिलेबस अपडेट हो गया है या फिर लिब्रा आएगा तो ये कहना सही नहीं है। जो सिलेबस अब तक आया है वही सिलेबस आएगा, यानी एमएस ऑफिस जो आप लोग पढ़ते आए हैं केवल वही आपको पढ़ना है। और जो आप लोग लिब्रा की बात कर रहे हैं, लिब्रा नीलिट का जो एग्जाम होता है CCC के लिए उसने अपने सिलेबस में ऐड किया है, न कि UPBCL में। तो याद रखिए, किसी भी भर्ती में जब तक सिलेबस अपडेट नहीं होता, जब तक या तो डिपार्टमेंट अलग से नोटिफिकेशन निकाल के नहीं कह देता है या फिर जो एडवर्टीजमेंट में होता है उसमें आपका क्लियरली सिलेबस मेंशन होता है कि इस टॉपिक से ये सिलेबस आपका पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गई आपकी कि आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि आप लोगों ने क्या क्या आप लोगों के मन में सवाल चल रहे थे, तो ये सब सवाल आपके मन में होंगे और हो सकता है कि आप लोग आप में से काफी लोग भी परेशान हो इसको लेकर के। तो उम्मीद है कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब डाउट तो आपके क्लियर हो गए, फॉर्म आप सब भरने जा रहे हैं, तो केवल फॉर्म नहीं भरना है। इस बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग को इस बार क्या करना है, आप लोग को सिलेक्शन लेना है। जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आप लोगों को केवल फॉर्म भरते रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से तैयारी करनी है और पूरी तरीके से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल विजन का साथ लेना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1.5 महीने से लगभग 2 महीने का समय बाकी है, 1.5-2 महीने का समय बाकी है और जो आपका ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपका एग्जाम है वो आपका अगस्त के 2 या 3 सप्ताह में आपका हो सकता है। तो पॉसिबल भी है 2 सप्ताह में, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को ध्यान होगा कि जो जेई का एग्जाम हुआ था वो भी ऐसा ही हुआ था, 1 महीना आपका फॉर्म चला था, फॉर्म के बस खत्म होने से 1-1.5 महीने में ही आपका एग्जाम हो गया था। तो पॉसिबिलिटी इस बार भी है कि आपका एग्जाम भी हो सकता है, कि अगर दिया है कि अगस्त के 2 या 3 सप्ताह में हो सकता है तो पॉसिबिलिटी भी है कि हो जाए। तो उसके लिए 1.5 से 2 महीने में आपको क्या करना है, पूरी मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिकल विजन का साथ लेना है और जो आपका इलेक्ट्रिकल विजन है वो आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंप्यूटर सब चीज की आपको तैयारी कराई जा रही है। उसके लिए देख लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स लिखी हुई है और कंप्यूटर का मटेरियल
टेक्निकल का मटेरियल और टेक्निकल का आपका वीडियो कोर्स, ये सब आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। उसके अलावा नॉन टेक्निकल में आपका रीजनिंग की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराया जा रही है, जीके का आपका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, और इसके अलावा आपका हिंदी का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, और एग्जाम से पहले बहुत ही जल्द आपको इंग्लिश की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कुल मिलाकर के पूरे 250 मार्क्स की तैयारी कराई जाएगी आपको, और पूरे 250 मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करके एग्जाम में भेजा जाएगा। क्योंकि हम लोग की कोशिश ये है कि जब तक आप पूरे 250 मार्क्स की तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें TJ2 में काफी जो ITI कैंडिडेट्स हैं वो वीक होते हैं और उनका नंबर नहीं आ पाता है। तो 15 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, 15 में से अगर एटलीस्ट आप 10 नंबर ले आते हैं तो बहुत ही फर्क पड़ेगा आपके और बाकी कैंडिडेट्स के बीच में। तो इसीलिए इंग्लिश क्लासेस भी आपकी एग्जाम से पहले जरूर चलाई जाएगी और पूरा 250 मार्क्स का आपको सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो जिस मटेरियल की बात हम कर रहे हैं आप लोग को वो ये है, आप देख सकते हैं ये है आपका टेक्निकल का हिंदी वर्जन। इसको आप लोग अपने एड्रेस पे जरूर मंगाइएगा, ये टेक्निकल का मटेरियल मंगाइए और उसके अलावा टेक्निकल की वीडियो कोर्स लीजिए। तो मैं आपको पूरी विश्वास से कहता हूँ कि ये दोनों चीज करने के बाद अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो टेक्निकल का पोर्शन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इसमें लिखे हुए हैं। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी दी हुई है, उसके बाद उस चैप्टर से अगर आपके न्यूमेरिकल्स हैं तो उसके न्यूमेरिकल्स दिए हैं, उसके बाद अगर MCQs हैं तो MCQs आपको दिए गए, और लास्ट में आपके जो है वो वन लाइनर्स, पूरी बुक में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके वन लाइनर्स आपको एक तरीके से आपको लिख के दे दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। उसके अलावा ये है आपका कंप्यूटर का मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिब्रा नहीं आने वाला है, तो लिब्रा नहीं आएगा ये मुझे भरोसा है, अगर आपको भरोसा हो तो आप ये जो आपका मटेरियल है इसको मंगाएं। ये आपका मटेरियल, इसमें कंप्यूटर का जितना भी आपके टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं वो सब लिखे हुए हैं, और जितने भी आपके कंटेंट हैं वो आपके प्रिंटेड फॉर्म में है, और उसमें जो चैप्टर वाइज आपके पहले थ्योरी दी हुई है, उसके बाद आपके जो MCQs हैं वो लिखे हुए हैं, और उसके बाद आपकी शॉर्टकट कीज चैप्टर वाइज आपको दी हुई है। ये दोनों पढ़िएगा तो पढ़ करके मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। और टेक्निकल का वीडियो कोर्स आपको लेना है, क्योंकि अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो कोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अपने से अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपकी तैयारी हो जाए, अच्छी हो जाए, लेकिन उस लेवल पे अच्छी नहीं होगी जिस तरह किसी दूसरे से पढ़कर की हो सकती है, क्योंकि अभी आप कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते, सब कोचिंग बंद है। तो आपको एकमात्र रास्ता यही है कि आपको किसी ऑनलाइन मीडियम में आपको पढ़िए, ऑनलाइन मीडियम में आपको पढ़ने के लिए वीडियो कोर्स लीजिए। वीडियो कोर्स ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप टेक्निकल का मटेरियल लेकर के तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर रही है, और घंटी बजा के ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी आती रहेंगी और आपको जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाता रहेगा। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।